दोस्तों भारतीय टीम ने एक बार श्रीलंका को फिर से धोया और दोस्तों श्रीलंका के लंका में लगाई आग। तो दोस्तों आप भी जानना चाहते हो कि आखिरकार भारतीय टीम ने श्रीलंका को कितने रनों से हराया। दोस्तों यह जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करना शुरू किया, यानी कि दोस्तों श्रीलंका ने टॉस को जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दोस्तों शायद श्रीलंका का यह फैसला बहुत ही खराब साबित हुआ। दोस्तों भारतीय टीम बल्लेबाजी करने तो भारतीय टीम की शुरुआत बहुत ही अच्छा रहा। दोस्तों भारतीय टीम दोनों पर यानी कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने बेहतरीन पारी खेली और दोस्तों भारतीय टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाई। दोस्तों आप लोग को बता दो कि रोहित शर्मा 83 रन बनाए 67 गेंदों में, वहीं पर शुभमन गिल ने 70 रनों की बेहतरीन पारी खेली और दोस्तों भारतीय टीम के एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई दोनों ओपनर ने। लेकिन दोस्तों उनके अलावा तीसरे नंबर बल्लेबाजी करने आए भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी इस मैच के दौरान फिर से शतक जड़ दिया है और दोस्तों उन्होंने इस पारी के दौरान 113 रन बनाए 87 गेंदों में, 12 चौके और 1 छक्के इस पारी में उन्होंने लगाए हैं। दोस्तों 50 ओवर के नियमित ओवर में भारतीय टीम ने 373 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे। दोस्तों अगर श्रीलंका गेंदबाजी की बात की जाए तो कसुन रजिथा ने 3 विकेट लिए अपने 10 ओवर के स्पेल में, वहीं पर दासुन सना का 1 विकेट, वहीं पर धनंजय डिसलिवा भी 1 विकेट अपने नाम किया और दोस्तों भारतीय टीम की विशाल स्कोर को पीछा करने उतरी श्रीलंका भी शुरुआत बहुत अच्छा रहा। दोस्तों श्रीलंका के ओपनर कुशल मेहंदी जल्दी अपना पवेलियन की रास्ता नाप दिया और दोस्तों वह जल्दी आउट हो गए। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से पथुम निशंका ने श्रीलंका को बल्लेबाजी क्रम को संभाले रखा और दोस्त पथुम निशंका ने 72 रनों की बेहतरीन पारी खेली 80 गेंदों में। दोस्तों जो प्रत्येक T20 मैचों में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे यानी कि कप्तान दासुन सनाका ने इस मैच के दौरान भी 108 रन के शतक जड़कर 88 गेंदों में 108 रन जड़कर फिर से एक बार श्रीलंका को मोर्चा संभाला था। लेकिन उसके अलावा धनंजय डिसलिवा ने भी 47 रन बनाए 40 गेंदों में और दोस्तों अगर भारतीय गेंदबाजी की बात की जाए तो उमरान मलिक ने 8 ओवर में 57 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, वहीं पर मोहम्मद सिराज 2 और हार्दिक पांड्या 1 विकेट अपने नाम किए। लेकिन दोस्तों दासुन सनाका के यह शतक से भारतीय टीम को कोई असर नहीं पड़ा और श्रीलंका यह मैच को 67 रनों से हार गया और दोस्तों सीरीज में 1-0 से पीछे चल गई है। दोस्तों दासुन सनाका ने प्रत्येक T20 मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की और दोस्तों पहले वनडे मैचों में भी उन्होंने शतक जड़ दिया और दोस्तों यानी कि वनडे मैचों में भी अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं और दोस्तों दासुन सनाका एक श्रीलंका के बेहतरीन कप्तान में से एक है। दोस्तों भारतीय टीम यह मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे बढ़त बना ली है और दोस्तों भारतीय टीम अब दूसरे वनडे मैच में जीतकर सीरीज भी जीतना चाहेगी। लेकिन दोस्तों इसे आप लोग क्या रहा है कि विराट कोहली फिर से दूसरे वनडे मैचों में शतक लगा पाएंगे या नहीं, अपने कमेंट में जरूर दें और आप वीडियो देख कहां से रहे ये भी लिखना बिल्कुल ना भूलें।